अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा दो चैनल है जिसका नाम है ड्रेस डिजाइनर खैरुन और एक का नाम है कुछ छटके खैरुन। तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो मैं आज आपके लिए मुहर्रम का शरबत लेकर आई हूँ। चलो अभी हम मुहर्रम का शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे बनाते हैं और क्या क्या चाहिए हम पहले देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये कस्टर्ड पाउडर है वेनीला का, 100 ग्राम का पैकेट है, पर इसमें से हम पहले यूज़ कर चुके हैं तो अभी कुछ 60 ग्राम तक होगा। तो आप 50 ग्राम भी ले लें चाहे 60 ग्राम। और आप देख सकते हैं ये काजू बादाम है ऐसे कटे हुए, चाहे तो आप इतना भी ले सकते हैं और आप आपके ऊपर है आपको कितना लेना है तो आपके ऊपर है। और चाहे तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। और फिर ये शुगर है, शक्कर। तो ये मैंने 2 बाउल ऐसा शुगर लिया है तो आपके ऊपर है आपका टेस्ट, आपको कितना मीठा चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और इससे कम तो ले सकते हैं, पर इससे कम ठीक नहीं है, बहुत कम हो जाएगा। तो मैंने, क्योंकि हमें भी कम मीठा पसंद है तो मैंने उस हिसाब से लिया है कि 2 कप इतना। और अब दूध देख सकते हैं, 2 लीटर दूध है और इसे बहुत अच्छे से उबाल ले लेके ठंडा कर लिए है। और फिर उसके बाद हम इसमें अभी कस्टर्ड और पानी और सॉरी शुगर का सिरप बनाएंगे। तो मैंने ये गैस इधर ऑन है, अब इधर देख सकते हैं तो इधर पानी गर्म हो रहा है। तो इसमें हम जो शक्कर है अपना वो डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें शक्कर डाल दिया है और फिर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, घुल जाएगा इसमें। और तो हम कस्टर्ड का जो पाउडर है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना लेंगे उसका, फिर इसमें मिक्स कर देंगे और फिर थोड़ी देर पकाएंगे। तो चलो अब मैं पानी का घोल उसको तैयार करती हूँ। जो कस्टर्ड मैंने लिया था 50 से 60 ग्राम कस्टर्ड का पाउडर है तो मैं उसका घोल बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें शुगर जो मेल्ट हो गया है, डिजॉल्व हो गया है। तो अब इसमें हम जो मैंने उसका घोल बनाया है कॉर्नफ्लावर सॉरी कस्टर्ड पाउडर का, तो उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो मैं आपको पहले उसका घोल दिखा देती हूँ मैंने किस तरह बनाया। थोड़ा सा पानी लेके इसमें को अच्छे से सर ऐसा घोल ऐसा लिक्विड फॉर्म में ऐसा आपको तैयार कर लेना है कस्टर्ड को। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको उसके पहले भी दिखा चुका है कि ये वाला वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो अब हम इसमें शुगर सिरप में हम इसे डाल देंगे। और फिर इसे चलाते रहेंगे क्योंकि पानी जो होता है ना जमा जमा हो जाता है, तो ऐसे जमा जमा गुठली ना बने इसके लिए हम इसको ऐसे चलाएंगे, इसको ऐसे हम चलाते रहेंगे। डाली बोलिए दूध ऊपर रख देने का। कस्टर्ड का हमने घोल तैयार किया था, फिर गैस पे पकाया था 5 से 4 मिनट, तो उसे हमने इसमें मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और आपको गरम गरम में इसको डालना है कस्टर्ड पाउडर का जो लिक्विड हमने बनाया था, और दूध में से मिला लेना है बस। और फिर आपको इसमें थोड़ा सा जो भी आपने काजू बादाम पिस्ता जो भी आपने काटा है उसको इसमें डाल देना है। और फिर फ्रीज में आपको जितने टाइम के लिए रखना है ठंडा करके आपको सर्व करना है। तो ये हो गया हमारा मुहर्रम का शरबत। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।